मिलने के बाद रानी तृष्णा राजा सिद्धार्थ को अपने स्वप्नों के बारे में बताती है। हे प्राणनाथ, अभी रात्रि के अंतिम प्रहर में मैंने 14 सुंदर स्वप्न देखे हैं। यह स्वप्न देखने से मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है। कृपया मुझे इनका अर्थ बताएं। हे देवानुप्रिय, आप सर्वांग सुंदर, उत्तम लक्षणों से युक्त, तेजस्वी, प्रिय दर्शक और त्रिलोक पूजन पुत्र को जन्म देने वाली हो। ये प्रत्येक स्वप्न अत्यंत गहन एवं भाव से परिपूर्ण है। पहला स्वप्न हाथी। बालक हाथी जैसा बलशाली और बुद्धिमान होगा। दूसरा स्वप्न ऋषभ मतलब बैल। कर्मठ, संपत्ति और शक्ति का प्रतीक होगा। तीसरा स्वप्न सिंह। बालक शेर की तरह शूरवीर, निडर और पराक्रमी होगा। चौथा स्वप्न लक्ष्मी देवी। सुखी, संतोषी और संस्कारी पुत्र होगा। पांचवा स्वप्न फूल माला युगल। अपने आत्मिक गुणों की सुखन से तीनों लोगों में सर्वानुप्रिय होगा एवं दो धर्मों की स्थापना करेगा, श्रावक धर्म एवं साधु धर्म। छठा स्वप्न चंद्र। शीतलता, सौम्यता और सौंदर्य से परिपूर्ण होगा। सातवां स्वप्न सूर्य। तेजस्वी और न्यायप्रिय होगा एवं ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। आठवां स्वप्न ध्वजा। धर्म का नेतृत्व करने वाला एवं धर्म रूपी ध्वजा को संसार में फहराएगा। नौवां स्वप्न कलश। आपका पुत्र क्षमा, शांति और धैर्य से पूर्ण होगा। दसवां स्वप्न पद्म सरोवर। देवों से बने स्वर्ण कमलों पर चलने वाला अर्थात तीर्थंकर बनेगा। ग्यारहवां स्वप्न शीर समुद्र। बालक गंभीर और विशाल गुणों से भरपूर होगा। बारहवां स्वप्न देव विमान। बालक का जीवन उत्पगामी होगा। तेरहवां स्वप्न रत्न राशि। अनेक ज्ञान रत्नों से परिपूर्ण होगा एवं हमेशा समृद्ध रहेगा। चौदहवां स्वप्न निर्धुम अग्नि। पवित्र और पावन केवल ज्ञान से संपन्न होगा। राजा रानी जिनेश्वर भगवान का स्मरण करते हैं। 9 मास और 7.5 रात्रि को चैत्र मास के त्रयोदशी के मध्य रात्रि के हस्तोतक नक्षत्र में तृष्णा माता ने सर्वांग सुंदर सुकुमार 24वें तीर्थंकर श्री महावीर प्रभु को जन्म दिया। तीनों लोकों में तेजस्वी प्रकाश फैल गया।